सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम निकले थे पाकिस्तान टूर पर और अभी हम पहुंचे हैं बेरी इंटरचेंज जो फैसलाबाद से आगे मुल्तान से हम निकले थे 10 बजे और अभी टाइम हो रहा है दो बज रहे हैं तकरीबन, आई थिंक 2:15 का टाइम हो रहा है, यानी हम 4-4.5 घंटे में हम यहाँ पहुंचे हैं। इससे आगे का सफर सवाद का देखते हैं कितनी देर का है। लंच करेंगे, लंच के बाद नमाज वगैरह पढ़ के फिर इंशाल्लाह आगे जो सवाद का रास्ता है वो भी हम चलेंगे। भाई कुछ ऑर्डर दिया तुम लोगों ने? ऑर्डर दिया तोकिर भाई को, देखो तोकिर भाई तो सेल्फ एक चाय भाई। हाँ तो ये सही है ना, थोड़ा आराम आराम से चलेंगे तो मजा भी आएगा। तो भाई आप हमारे साथ रहे, आगे का भी हम आपको थोड़ा विजिट कराएंगे, जहाँ जहाँ हम रुकेंगे लोकेशन आपको दिखाएंगे, मगर हमारी जो लास्ट लोकेशन होगी वो होगी सवाद। इंशाल्लाह सवाद जाकर वहाँ जो पहाड़ के नज़ारे हैं वो दिखाएंगे हम आपको, पहाड़ के नज़ारे दिखा क्या कहते हैं, घर वाले तो पहले शुरू से ही कह रहे हैं कि भाई पहाड़ों पर मत चढ़ना। मैंने कहा पहाड़ पर वहाँ जा रहे इतनी दूर तो पहाड़ों पर ही नहीं चढ़े। तो सही है भाई, हम आप लोगों को आगे की भी चीज़ें दिखाएंगे और भी चीज़ों के नज़ारे वगैरह दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। सीन ये है कि जो लतीफाबाद में आदिल बेकरी में 50-50 के जो सैंडविच मिलते हैं ना यार, 220 का एक सैंडविच दिया है और तकरीबन हमारा बिल बन चुका 1800 रुपये। तीन सैंडविच थे, दो शोहरना थे, चार चाय थी और दो पानी की बोतल, और ये बिल बनना था तकरीबन 700-800 रुपये। तो ये बिल हमारा बना है 1850, तो इसका कोई नोटिस दिया जाए। नोटिस हुकूमत पंजाब, कौन है पंजाब का अभी कौन चल रहा है? भाई कुछ करो यार, हमारे नाम गरीब बने, देखो हमारे जो ट्राउजर भी दो रंग के पहने हैं मैंने। तो गाइस सीन ये है कि अभी हम इस्लामाबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर हैं, हमने यहाँ पर स्टे करा, जो मेरे कजन थे उनको थोड़ी इमरजेंसी हो गई इसलिए हमने स्टे करा। क्या इमरजेंसी हो गई पता है कुछ आपको? नहीं, बहुत वो रो रहा था, बोल रहा भाई गाड़ी रोको। तो हमारा इरादा नहीं था, हमारा इरादा सिर्फ इस्लामाबाद में जगह रोकने का था इरादा, मगर उसके कहने पर हमने गाड़ी रोकी। ड्राइवर साहब को हमने बोला कि आप गाड़ियां लगवाएं, तो इसलिए ज्यादा इमरजेंसी हो गई थी भाई को। पता है क्या हुई है? हाँ, क्या हुई है नहीं बता सकता वो आप खुद भी सोच समझदार हो। आप कमेंट्स में बताएं कि इसको क्या इमरजेंसी हो गई थी, तो आप बताएं क्या इमरजेंसी, फिर आपको कमेंट्स में बताएंगे क्या इमरजेंसी हो गई थी। तो हम इस्लामाबाद पहुंच के फिर आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। और ज्यादा होती है इमरजेंसी, इमरजेंसी तो बता दो यार। दानियल भाई की बात सच हो गई है, यहाँ पे नहीं आती। भाई सीन ये है कि हम जो 5 मिनट के लिए रुके थे, हमारा काम हो चुका है जो इमरजेंसी हुई थी दोस्त को, और इसके अलावा अब हम जा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया हम इस्लामाबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर हैं। बहुत चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि हमें रात से पहले ना सवाद पहुँचना है, तकरीबन अभी भी हमें 9 बज जाएंगे। अभी हमें रुकना नहीं था यहाँ पर, हमें स्टे नहीं करना था, मगर इमरजेंसी थी तो हमें स्टे करना पड़ गया, वो भी खिजर भाई की वजह से। तो अभी तकरीबन 50 किलोमीटर के बाद इंशाल्लाह इस्लामाबाद आएगा। इस्लामाबाद के बाद सवाद का 1.5 घंटा या 2 घंटे का रास्ता और है, फिर इंशाल्लाह अपनी मंजिल पर हम पहुंच जाएंगे। उस्ताद जी ने थोड़ा हमारा ख्याल करा, हमारे को स्ट्रिंग बोतल स्पॉन्सर करिए सारों को। भाई साहब दिखाओ अपनी और साहब शुक्रिया करो उस्ताद जी का, एक साथ उस्ताद शुक्रिया। सीन ये है कि अभी हम इस्लामाबाद टूल पर पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ देखते हैं कि टूल कितने का है। अभी कितना रहेगा उस्ताद जी, इसके बाद कितना सफर रहेगा? 2-3 घंटे का सफर रहेगा। नहीं नहीं इस्लामाबाद में तो इंटर होगा, अभी इस्लामाबाद शहर कितनी देर में आएगा? आधे घंटे का और सफर है, बाकी अभी टूल देखते हैं कितने का देते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने टूल कहाँ पर लिया था भाई? हमने टूल दिया था मोटरवे के बाद भी हमने 500 का दिया था। अभी देखते हैं कितने का लेते हैं जो भी 240 240 भाई जी देख सकते हैं आप 240 का शायद ये तो इस हिसाब से देख रहे हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद में एंटर होंगे तो वहाँ पर अगर हमने वहाँ स्टे करा तो वहाँ के भी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, नहीं तो हमारा इरादा शुरू से मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हमारा
जाना में सवाद है पहले, और भाई अल्लाह मालिक जो होगा देखा जाएगा। पहाड़ को काट करना ये बनाया गया है, ये बने हुए बहुत आला है। ये पाकिस्तान की जगह तो लगी नहीं थी मेरे को तो भाई, ये एक और आ गया। और अगर ये हम दोपहर में होते ना, दोपहर में हम दोपहर के साइड दिन में आते तो और भी जबरदस्त व्यू आता, क्योंकि पहाड़ के बीच में से इन्होंने एक सुरंग नुमा रास्ता बनाया है और ऊपर इसके पहाड़ ही है, मगर ये बहुत जबरदस्त लगा। क्या कहते जोजी भाई, बहुत खूबसूरत। ये देखें इस टनल में आपको अच्छी रोशनी दिख रही होगी, ये टनल जो है ना काफी लंबी है। सो गाइस सीन ये है कि हम सवात पहुंच चुके हैं मैंगोरा। आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर हम मेन हाईवे पर मौजूद हैं, ये मेन लोकेशन है, बाईपास लोकेशन मैंगोरा। और ये जोजी भाई वाले बात कर रहे हैं होटल के लिए, होटल है इसका नाम नजर आ रहा तेरे को है, कौन सी होटल है, दम पो होटल है ये। यहाँ हो सकता है हमारा बात बन जाए, और हमने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पर। और यार मैं पहले आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर भाई सर्दी है, मेरे को कप का पार्ट लग रही है, तेरे को लग रही है सर्दी है थोड़ी बहुत। बात हो गई जोजी भाई, रूम हो गया, नाम तो बताओ। मेरा नाम अमजदुल्ला खान है, ये मिंगोरा सिटी का बाईपास से दम्पोक होटल है, और यहाँ पे हमारे साथ कबली पुलाव और दम्पोक स्पेशल होता है। यहाँ पे हमारे साथ रूम भी होता है, रूम दिखा दोगे आप हमारे ऊपर? हाँ रूम दिखा देंगे, अच्छी क्वालिटी का रूम है। और आज हमारा रूम जो है ना तकरीबन सारे फुल हो गए, एक दो रूम खाली तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। चलो फिर आप हमें रूम दिखा दो, हम रूम भी देख लेते हैं। जोजी भाई यार खिजर ठंड महसूस हो रही है मेरे को तो यार, यहाँ पर आते ही ना ठंड है, यहाँ पर है अभी सितंबर है, नमाई का कहना है आगे इससे ज्यादा ठंड है। अच्छा इससे आगे भी और भी ज्यादा ठंड, उससे आगे और भी ज्यादा ठंड है। यहाँ से मनमजोरा 50 किलोमीटर के बाद चलता है, कलम से 60 किलोमीटर। तो गाइस हम लोग यहाँ पर होटल के अंदर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर हम यहाँ लंच वगैरह खाना वगैरह खाएंगे, अपना डिनर करेंगे, डिनर के बाद हम अपनी जो ऊपर आराम करने की जगह है वहाँ आराम करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा मुल्तान से लेके सवात का सफर आपने हमारे साथ देखा शेयर करा, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।